नमस्ते भाई बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत पुराण का 18वां अध्याय सुना रही हूँ, 8वीं स्कंद का। सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुरो ब्रह्मा गुरुरो विष्णु गुरुः देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज 18वें अध्याय में है श्री नारायण जी का वामन रूप धारण करके राजा बलि की यज्ञशाला में जाकर 3 पग पृथ्वी के दान की याचना करने का वितरांत। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, वामन भगवान यज्ञोपवित होने के बाद ब्रह्मचारी जैसा स्वरूप धारण करके दंड कमंडलू हाथ में लेकर कश्यप और अदिति के घर से बाहर निकल आए और पृथ्वी का दान लेने की इच्छा से नर्मदा नदी के किनारे जहाँ राजा बलि यज्ञ कर रहा था वहाँ चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जहाँ राजा बलि यज्ञ कर रहा था तो वामन भगवान जी वहाँ चले गए। जिस समय वामन भगवान वहाँ पहुँचे उस समय पृथ्वी अपने मन में यह सोचकर कंपायमान होने लगी कि अब ब्रह्मा परमेश्वर समस्त ब्रह्मांडों के उत्पन्न करता है, वही पृथ्वी का दान मांगने के निमित्त यहाँ आए हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। वामन भगवान को परम तेज स्वरूप धारण किए बड़े बड़े ऋषिवर ब्राह्मण राजा बलि एवं शुक्राचार्य आदि जो उपस्थित थे उनको आते ही देखकर उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार का बौना मनुष्य उन्होंने कभी नहीं देखा था, इसलिए वह उस वामन स्वरूप को देखकर चकित रह गए। उस समय राजा बलि ने वामन भगवान को रत्न जड़े सिंहासन पर बैठाकर हाथ जोड़ते हुए विनती की, हे भगवान, हे ब्रह्मचारी महाराज, गुरुओं एवं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरे निन्यानवे यज्ञ तो पूर्ण हो गए हैं, मेरे 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं और अब मैं 100वां यज्ञ पूर्ण कर रहा हूँ। अतः मेरे बड़े अहोभाग्य हैं जो इस यज्ञ में आप जैसा तपस्वी महात्मा के चरण पधारे हैं। आपके परम पवित्र दर्शन करने से निश्चय ही भाग्योदय हुआ है। राजा बलि कहते हैं कि आपके दर्शन करने से मेरे भाग्य उदय हुए हैं। हे बाल ब्रह्मचारी, जिस प्रकार आपने बिना आमंत्रित किए ही दयालु होकर यहाँ पधारने की कृपा की है, उसी प्रकार आपको गौ बाघ हाथी घोड़ा रथ और पालकी द्रव्य एवं भूमि आदि जिस वस्तु की भी अभिलाषा हो उसे आप प्रकट करिए। आपको जिस चीज की अभिलाषा है आप उसे प्रकट करिए जिससे मैं तुरंत ही प्रसन्नतापूर्वक आपको भेंट कर दूँ। आप जो बोलोगे मैं आपको भेंट कर दूंगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रकट करिए, मैं आपको प्रश्न होकर दे दूंगा। हे विरोचन पुत्र, तुम्हारी गिनती बहुत बड़े दानियों में है, अतः तुमने मुझसे श्रद्धापूर्वक दान मांगने को कहा है। तुम्हारे पूर्वज भी ऐसे ही दानी और सूरवीर हुए हैं जिन्होंने कभी दान देना अथवा युद्ध करने से अपना मुख नहीं मोड़ा है। तुम्हारे वंश में कभी कोई लोभी कंजूसी या अधर्मी नहीं हुआ है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तुम्हारे दादा हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप भी ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं कि उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर 3 लोकों का अखंड राज्य किया था। हे राजन, मुझे 3 पग भूमि का दान दे। राजा बलि कहते हैं, वामन भगवान जी कहते हैं राजा बलि से कि मुझे
हे राजन, मुझे तो सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। हे राजा परीक्षित, वामन भगवान के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा बलि बोले, हे बाल स्वरूप ब्रह्मचारी, आप ब्राह्मण के पुत्र होकर भी अपना अर्थ सिद्ध नहीं करना जानते हैं। मेरे द्वार पर जो भी ब्राह्मण अथवा याचक आता है, मैं उसे इतना द्रव्य दान में देता हूँ कि फिर उसे जीवन में कभी प्रयत्न किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। मैं जो भी मेरे द्वार पे आता है तो मैं उसको इतना धन देता हूँ, इतना दान करता हूँ कि उसे जिंदगी में कभी दूसरे इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं, आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए आप जैसा तेजस्वी महान को केवल 3 पग दान में ही 3 पग भूमि दान में देते हुए मुझे संकोच हो रहा है। इस बात का उत्तर देते हुए वामन भगवान जी बोले, हे बलिराज, लोभ बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि अधिक लालच करने से ब्राह्मण का धर्म बल एवं तेज क्षीण हो जाता है। अधिक लालच करने से बल तेज और क्षीण हो जाता है, और जो ब्राह्मण संतोष होता है उसके धर्म बल तेज एवं गुणों की वृद्धि होती है। लोभी मनुष्य देश प्रदेश में रहकर चाहे कितने करोड़ पति हो जाएं और चाहे कितने लोकी का राज्य प्राप्त कर लें, तो भी उसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। संतोष रखने के कारण हमारे लिए 3 पग भूमि ही बहुत है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और यदि संतोष न हो तो समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त होने पर भी इच्छाओं का कभी अंत नहीं हो सकता। इसलिए असंतोष करने से कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, बोलो वामन भगवान की जय हो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, बोलो कृष्ण भगवान की जय हो।